अब ये दोनों पार्टी के विचारधारा के लड़ाई है, विचारधारा के लड़ाई है, विचारधारा वो मन के जो उद्देश्य है ओकर लड़ाई है। तो आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ छाप वाला पार्टी है, पंजा छाप वाला पार्टी है, तिकर विचारधारा तिकर उद्देश्य किसान गरीब मजदूर, ये तीनों बार अगर कोई योजना बनाते, ये मन के कोई सोचते, ये मन के दुख दर्द के बारे में कोई बात करते, तो सिर्फ और सिर्फ हमार कांग्रेस पार्टी है। भूपेश बघेल है, राजा देवेंद्र बहादुर सिंह है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मनमोहन सिंह है, और जो व्यापारी बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े पैसा धन्ना सेठ मन के जो बात करते, वो मन के जो विचार, वो मन के जो फायदा पहुंचाए बर जो पार्टी काम करते, वो पार्टी है फूल छाप वाला कमल पार्टी। आज झगड़ा वो फूल छाप वाला पैसा वाला उद्योगपति और ये बड़े खेल के बैठे गरीब किसान मजदूर के झगड़ा है, लड़ाई है। आज एसी में सोने वाला की लड़ाई है, जो एसी में सुते टिकर झगड़ा आज गरीब संघ है। आज आपला बहकाया जाही, आज आपला बोला जाही कि 500 ले ले, साड़ी ले ले, मोर माता बहनी वाला बोला जाही तोला साड़ी देतन, हमर भाई बंधु वाला बोला जाही तोला पेंट कपड़ा देतन, शर्ट कपड़ा देतन, मन देतन, कुकरी देतन। आज एक दिन के लालच में आपला आना नहीं है, आने वाले 5 साल में आप जाना तो कांग्रेस पार्टी आप पर कत का काम करी, 2500 रुपया में आपके धान ला खरीदे के काम अगर पूरे भारत में कहीं होते तो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में होते, जहां भाजपा के सरकार है उत्तर प्रदेश में 1000-1200 रुपये में किसान धान बेचत है और रोत है, ओकर लागत नहीं निकल पाते किसान के। जमीन के बेचैया आप जाना तो किसान के जमीन खरीदना चाहते बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी मन, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप जाना तो पिछले बार भी किसान के कर्जा ला माफ करे के काम अगर कोई करे रही तो हमार पंजा छाप और कांग्रेस के पार्टी करे रही। आप याद करो, हर गरीब जाकर कर जमीन नहीं है, जाकर कोई सहारा नहीं है, वाला 7000 रुपया सालाना आर्थिक सहायता कोई दे के काम करे रही, यही पंजा छाप यही पार्टी है करे रही, यही भूपेश बघेल और राजा देवेंद्र बहादुर सिंह मन करे रही, आप भूलो जन। अब वो हर आगामी 5 साल में वाला 10000 रुपया करी। और मैं आप ला बताना चाहता हूँ, 2 महीना पहले हमार सरकार जो भूपेश बघेल राजा देवेंद्र बहादुर सिंह के सरकार है, वो आपके एक एक गांव में सर्वे करके गए है, सचिव और गुरुजी मन के माध्यम से हर घर के सर्वे किया जाते है कि कौन गरीब है जाकर कर पक्का मकान नहीं है, कौन गरीब है जाकर घर में पानी छानी ले टपकर थे, टीकर जांच करवाए हमार सरकार और 17.5 लाख पक्का घर दे के काम अगर कोई करी तो कांग्रेस पार्टी के सरकार करी। राजा देवेंद्र बहादुर अगर जी थी तब वो 17.5 लाख घर पास हो, काबर की एक 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 विधायक एक एक एमएलए मिल के सरकार बनते आपला मालूम है। दूसरा मैं आपला बताना चाहता हूँ, 2 रुपए किलो खातु ला खरीदे के काम अगर कोई करी, पूरा भारत में का पूरा विश्व में अगर कोई खरीदे के काम करी तो भूपेश बघेल राजा देवेंद्र बहादुर सिंह के यही पंजा छापा करे रही 2 रुपए किलो में, जो ला कभी कोई सोचे नहीं रही। गौठान में हमार समिति व हमार माता बहनी मन जो गौठान में काम करते हैं, वो मन ला रोजगार दे के काम अगर कोई करी तो यही कांग्रेस पार्टी के सरकार करे है। और आप मन माता बहनी मन ला बता देना चाहता हूँ कि अगर ये साल आप पंजा के बटन ला दबाहा, राजा साहब ला जीता के फिर से विधानसभा भेजिया, तो कांग्रेस के सरकार आपके जो नेशनलाइज बैंक के कर्जा है वो ला पूरा छूट कर ही, अब आप ला चिंता करे के जरूरत नहीं है, पूरा पूरा आपके छूट हो जाही। और आप ला मैं बताना चाहता हूँ, आप ला मालूम है कि गरीब कैसे अपने जिंदगी जीते, रोज कमाते, रोज खाते, आपला ये सब बात ला मालूम है। यहाँ कोई किसान भी है तो अपन आपला अमीर मत माने, वो भी गरीब है। कैसे गरीब है मैं बताता हूँ, जब कोरोना काल रही आपला मालूम है, कोई बीमार पड़ जाए तो 10 लाख 15 लाख 8 लाख खाली ओकर इलाज में खर्चा लगे, कई जन के जमीन बेचा गए, माता बहनी मन के सोना जेवर सब बेचा गए, गाड़ी मोटर सब बेचा गए, लेकिन आदमी नहीं बची, काकरो बेटा नहीं बची, सबला मालूम है।
अगर अब कोई दुर्घटना में घायल हो जाते हैं हमारे भाई बहनी बंधु काकरो एक्सीडेंट हो जाते ओला रायपुर में इलाज कराना पड़ा थे कोई बड़े अस्पताल में तो पूरा इलाज के खर्चा अमर राजा देवेंद्र बहादुर सिंह और भूपेश बघेल के यही पार्टी यही पंजा छाप आपके पूरा खर्चा ला उठाही। तो जब बटन दबाए पर जहा एक बात याद रखिया कि ये बटन केवल पंजा फूल के लिए है, ये बटन हमारी लड़का मन जो छोटे छोटे हैं यहाँ जो बैठे हैं इमन के भविष्य के बटन है। आप मल्ला में बताना चाहता हूँ बड़े बड़े पैसा वाला मन शहर के बड़े बड़े स्कूल में अपन के लड़का मन पढ़ाते हैं एक एक लाख डेढ़ डेढ़ लाख दो दो लाख रुपया साल के फीस पटाते हैं लेकिन छोटे किसान गरीब मजदूर अपन के लड़का ला वहाँ पढ़ा नहीं सके ओकर ओका पहुँच नहीं रहे ओकर करा ओका पैसा नहीं रहे। आज हमारे भूपेश बघेल और राजा देवेंद्र बहादुर सिंह के सरकार है सोची कि बड़े खेल के गरीब के लड़का भी अंग्रेजी सीखना चाहिए अंग्रेजी में बात करना चाहिए। काबर की जब आप बाहर जाते हो तो हिंदी बोलने वाला के कोई वैल्यू नहीं रहे अंग्रेजी के वैल्यू है। आज अगर छोटे से नौकरी भी करना है तो अंग्रेजी आना चाहिए। आपका मालूम है कि फिरदा में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया है अब हर हायर सेकेंडरी स्कूल में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगी। हर गरीब के बच्चा इंग्लिश में व्हाट इज माय नेम व्हाट इज योर फादर्स नेम पूछी तो ये सब के सपना हर माला देखना चाहिए हर बाप ला सोचना चाहिए कि मोरो लड़का हर अंग्रेजी में बात करे मोरो लड़का हर आगे बढ़े। और मैं आप लोग बता देना चाहता कांग्रेस के घोषणा है केजी केजी मतलब जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे मतलब मालूम है केजी से लेके पीजी तक अब कोई ला पैसा पटाए के जरूरत नहीं है काकरो बेटी ला घर बिठाए के जरूरत नहीं है कि बेटा ला पढ़ान सको बेटी ला नहीं सकन या बेटा ला सक नहीं सकन बेटी ला सको ऐसे वाला नहीं पूरा फ्री रही पढ़ाई। अगर आप सिर्फ पंजा के बटन ला दबा बस। और आप मन ला मैं बता देना चाहा था कि पंजा के बटन दबाए के बाद हर गरीब मजदूर ला 10,000 रुपया के आर्थिक सहायता हमार सरकार दी सालाना। दूसरा बात मैं आप ला बताना चाहता हूँ ये तो हमार गरीब के मजदूर के किसान के पार्टी जाकर बर हमन वोट मांगे बर आए हन तीकर बात ला बताए हूँ। अब आप मन ला बता देना चाहता हूँ वो जो फूल खिले रहते वो जो कमल के फूल रहते वो जो सेठ और व्यापारी के पार्टी है वो कैसे करते आप ध्यान दो ओला मालूम है कि गरीब ला और कैसे गरीब बनाना है ओला कैसे कंगाल करना है ओकर जमीन ला कैसे बिकवाना है ओकर घर नहीं बनना चाहिए। देखो मैं बता दूं जब कांग्रेस के सरकार रही केंद्र में तो जो लोहा खरीद के लान जो छड़ खरीद के लान 3,000 रुपया कुंटल में लाना ना आज 6,700 रुपया कुंटल छड़ ला कर दे है ताकि गरीब के जेब के पैसा और लोहा बनाने वाला अब लोहा फैक्ट्री के उद्योगपति करा पहुंच जाए। सीमेंट के भाव आप याद करो 180-200 रुपया में मिले जब केंद्र में कांग्रेस के सरकार रही आज 350 रुपया कर दिया गया है कि कोई किसान गरीब घर बनान झन सके ये बात ला आप ध्यान दो। दूसरा बात मैं आप ला बताना चाहता हूँ 900 रुपया टिपा तेल मिले जब कांग्रेस के सरकार रही तेल 1600-1800-2000-2400 तक वो रेट चल दी ये आपके पेट में लात मारे के काम करे और कोई नहीं करे ही लबरा रमन सिंह ही लबरा मोदी सरकार ये मन सब आप लठक के आपके जेब ला लूटे के काम करते हैं। मैं आप ला बता देना चाहता हूँ 50,000 रुपया के जो मोटरसाइकिल हमन खरीदना आज 1,00,000 रुपया कर दे है 1,00,000 करे है तो 50,000 का कर जेब में जाते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं तीमन के जेब में जाते हैं। और आप ला बताना चाहता हूँ बड़े बड़े उद्योगपति के 14.5 लाख करोड़ के कर्जा ला माफ करे के काम करी ई लबरा रमन सिंह मोदी के सरकार करे केंद्र में बैठ के लेकिन किसान के अठन्नी माफ नहीं करना चाहते हर। और जो हमार पार्टी है किसान के हितैषी पार्टी है नौजवान बर सोचा थे अगर तुम्हार बेटी ग्रेजुएशन करदा रहे तुम्हार बेटा ग्रेजुएशन करदा रहे ओला चिंता करे के जरूरत नहीं है सरकार ओला बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपया हर महीना दी
तो हमला आप लोग मैं बताना चाहता हूँ, हमला बहकावा में नहीं आना है। पीड़ा में साड़ी बढ़ गए, कंबल बढ़ गए, कुर्सी बढ़ गए, अरे छोटे छोटे सामान ला दे के तुम लोग भूलवाना चाहते, तुम लड़का मन के भविष्य ला खरीदना चाहते हो, हर ई मन के नहीं सोचे हो। वो बड़े बड़े जो अंग्रेजी पढ़ा थे वो मन के सोचने वाला पार्टी है। तो मैं जो बीजेपी के विचारधारा से भी सहमत है, मान लो कोई सोचा था कि भाजपा ला दे दो, इला दे दो, वो एक बार जरूर सोचे कि वो अपन के लड़का के अपन के गांव के भविष्य ला बनाना चाहते या उद्योगपति के लड़का के भविष्य ला बनाना चाहते। आप सब ला सोचना पड़ी, पूरा बरेकेल के जनता ला सोचना पड़ी। और आप जाना तो आप ला यहाँ से पिथौड़ा जाना पड़े तहसील के काम पर। हमार माननीय मुख्यमंत्री जी आई हमार राजा साहब के आग्रह में उहर पिथौड़ा पीरदा ला उप तहसील बना दी। अब आप ला पिथौड़ा जाए के जरूरत नहीं है, पीरदा में आपके काम हो जाते। आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुली, कॉलेज पर भवन दी। आप ला मालूम है हर गांव में गौठान खोला गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो अब आप सब जो है आपन के चिंता ला छोड़ के ये जो सेठ और मारवाड़ी बड़े बड़े उद्योगपति मन के सरकार है तेला बनाना बंद करो। अब एक गार खींचना पड़ी, गार के पार हमन रबो, गार के ऊपर पैसा वाला मन रही। तो ये बात ला आप ला समझना है, जो माँ ला अपन लड़का से प्यार है, जो बाप ला अपन बेटा से प्यार है, वो फूल छाप ला अपन पैर के नीचे दबाही आगामी 17 तारीख के। और पंजा छाप में एक भी बोतला हमला बहकावा में नहीं आना है। ऊपर 500,000 दे के कम्बल साड़ी दे के हमार बोतला खरीदना चाहते हो, पैसा ला झोंक लो। मैं पीरदा के रहने वाला हूँ, पीरदा के स्टाइल बताता हूँ। पीरदा में पैसा ले लेते, दारू ले लेते, मुर्गा ले लेते, लेकिन जहाँ वोट देना है वहाँ देते। उमन होशियार हैं, उमन ला मालूम है। और मैं आप ला बताना चाहता हूँ, हमार कई गरीब भाई हैं जो मन के बिजली बिल बकाया रखे, मोर खुद बकाया है। आप लोग बताना चाहता हूँ, समय में पैसा नहीं रहे, समय में हमन पठान नहीं सकन। तीन चिंता ला सोचत हुए हमार भूपेश बघेल और राजा देवेंद्र बहादुर सिंह के सरकार हर। अब अगर आप जीता है तो हर महीना 200 यूनिट तक के बिजली बिल पूरा फ्री, कोई ला बिजली बिल पटाए के आवश्यकता ही नहीं है। सबके बिजली बिल अगर कोई पटाही तो भूपेश बघेल और राजा देवेंद्र बहादुर सिंह के सरकार पटाही। आप ला बहकावा में नहीं आना है। ज्यादा मैं आप मन सब के समय नहीं लाऊं, काबर की हमर बीच हमार आदरणीय दीदी बैठे हैं, ओमन भी आप लग कुछ संबोधित करी। और जो हमारे किसान भाई हैं ते मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सरकार 3200 रुपया कुंटल में आपके धान खरीदगी। अब मैं मोर बाड़ी ले ही विराम दे छुए। आप मन सबसे लास्ट आखिरी में एक अनुरोध करी हो, चाहे मोर माता बहनी मन हो, चाहे मोर बड़े बुजुर्ग युवा साथी मन हो, आप सब जोरदार नारा लगा के, मोर नारा के बाद आप नारा लगा के साबित करियो कि आप सब गरीब के, मजदूर के, किसान के पक्ष में हो, लड़का मन के पक्ष में हो। ये सब बात ला याद रखिया। और आगामी 17 तारीख के राजा देवेंद्र बहादुर सिंह के पंजा छाप में वोट दे के पूर्ण एक तरफा बहुमत से राजा साहब ला होल सोल वोट जो बोला जाते थे में से जीता के यहाँ ले विधानसभा भेजना है। तो आप मैं अब आपसे अपील करना चाहता हूँ, कोई पैसा वाला, कोई ठगने वाला या कोई होकर कमियाँ आते हो बेचारा रोजी लेते होकर बात में नाराज जन हो रख ली हो तो ओकर बात में नहीं आना है। और सब आपन के बच्चा के भविष्य के खातिर एक बार कम से कम पंजा छापला बटन दबाना है। और दीदी पुखराज हमार बीच में आए हैं, राजा साहब दीदी ला भेजे हैं कि आप मन जाके मोर तरफ से अपील करो, मोर तरफ से वोट मांगो। तो दीदी ला हम ला आश्वस्त करना है, आज पीरदा और बड़े केल के मान सम्मान के बात है कि हमन बेचाने वाला, हमन बिकने वाला नहीं होन, हम ला कोई खरीदन नहीं सके, कोई अतका बड़े सेठ अतका बड़े पैसे वाला नहीं है जो हम ला खरीद ली। तो आप सब प्रण करो, आज
आप सब ला प्रण करना है मन से और दीदी ला आश्वस्त करना है कि आगामी 17 तारीख के बड़े खेल में पूरा के पूरा वोट हमर भविष्य लड़का के भविष्य पर हमल ला देना है, पंजा छाप ला देना है। तो बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। पीछे से हमारे भाई मन के आवाज नहीं आते, शायद उमन सहमत नहीं लगत है। पीछे वाला भाई मन भी बोलो, छत्तीसगढ़ महतारी की, कांग्रेस पार्टी की, राजा देवेंद्र बहादुर सिंह, पुखराज दीदी, भूपेश बघेल, पंजा छा, धन्यवाद।